हेलो गाइस, यार कैसे हो आप लोग। से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को एक और अमेजिंग माइनक्राफ्ट के एप्लीकेशन के बारे में। तो यार इस एप्लीकेशन का नाम है बिल्डिंग फॉर माइनक्राफ्ट। यार इस एप्लीकेशन की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो यार ये भी बहुत ही एक खास एप्लीकेशन है जो माइनक्राफ्ट के ऊपर वर्क करती है। तो यार इस एप्लीकेशन का नाम है बिल्डिंग्स फॉर माइनक्राफ्ट। तो यार मतलब ये है कि यार आप लोग जो चाहो वो बिल्डिंग माइनक्राफ्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने किसी वर्ड दूसरे वर्ड की बिल्डिंग किसी और वर्ड के अंदर ऐड कर सकते हो। तो यार ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो यार चलो इसको आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो यार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके आपको सिंपली सर्च मारना है बिल्डिंग फॉर माइनक्राफ्ट, जो कि यार यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सर्च मारा हुआ, तो मैं उसी के थ्रू मार लेता हूँ। और यार यहाँ पर जो ये पहला एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। और यार यही एप्लीकेशन दिखाएगी अपना जादू और हमें बना देगी बिल्डिंग्स, हमारे लिए बनाएगी बिल्डिंग्स। यार ये है एप्लीकेशन। यार इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग कोई भी बिल्डिंग अपनी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर डाल सकते हो, वो भी जस्ट इन फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स। और यार इसके अंदर बहुत सी अलग अलग बिल्डिंग्स, पिक्सल आर्ट और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यार आप लोग डाल सकते हो। यहाँ तक कि आप अपनी खुद की बिल्डिंग्स तक इसके अंदर डाल सकते हो और सेव करके रख सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में इनको किसी और वर्ड के अंदर डाल सको। तो यार चलो अब खोलते हैं इस एप्लीकेशन को और देखते हैं कि यार इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यार इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको इसको यूज़ करने की कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। तो यार कंडीशन नंबर वन ये है कि यार जब भी आप इसको यूज़ करो तो ध्यान रखना कि आपका जो माइनक्राफ्ट होता है वो बैकग्राउंड में ओपन नहीं होना चाहिए। और साथ साथ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यार जो आपका माइनक्राफ्ट का अकाउंट है उसमें जो माइनक्राफ्ट की एप्लीकेशन है, जो उसकी स्टोरेज है, वो हमेशा एक्सटर्नल होनी चाहिए। कभी भी उसको एप्लीकेशन में मत रखना, वरना ये ऐप इसके अंदर काम नहीं करेगा। तो यार यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन जो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर दिए हुए जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी लगातार, यार इसके अंदर बहुत से ऑप्शन दिए हुए, जैसे पिक्सल आर्ट, स्टैचूज, स्काई स्केपर्स, मैंशंस, गेम्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, हाउसेस, कैसल, क्रिएशन, और भी बहुत कुछ है। और यार सबसे मेन फीचर है माई बिल्डिंग, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसका मतलब है आप अपना कोई भी मनपसंद बिल्डिंग चाहो तो आप लोग सेव करके रख सकते हो, ताकि आप उसको दूसरी माइनक्राफ्ट की सिटी या बिल्डिंग में स्टोर कर सको। यार ये वही है यार, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ हाउसेस स्टोर करके रखे हुए हैं, जो मैं फ्यूचर में आपको अभी करके दिखाने वाला हूँ। तो यार चलो अब चलते हैं कुछ इंस्टॉल करने पे। यार यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सी चीज़ें हैं। तो यार मैं सबसे पहले इंस्टॉल करने वाला हूँ एक नॉर्मल छोटा सा हाउस, जैसे कि यार मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ ये एक छोटा सा हाउस। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, आपको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, उसके बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद इस तरह की एक एप्लीकेशन आएगी, आपको सिंपली उस एप्लीकेशन की ऐड को बंद कर देना है और फिर आपको सिलेक्ट करना है अपना वर्ड। तो अभी मैंने वर्ड का नाम रखा है सब्सक्राइब, जो आपको करना है मेरे चैनल को, और मैं क्लिक करता हूँ सब्सक्राइब वाले वर्ड के ऊपर, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर लोड होना। और उसके अंदर लोड स्टार्ट होते ही ये बिल्डिंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ रेड कलर की हाइलाइटेड में मेरे वर्ड के अंदर आ गई है। यार सिंपली मुझे यहाँ नीचे जाना है, जो मैं इस एरोस की मदद से जा सकता हूँ। और यहाँ यहाँ पर जो सिंपल माइनक्राफ्ट में कंट्रोल होते हैं उस तरह का आगे पीछे मूव करने का कंट्रोल है। और यार जैसे जैसे आप माइनक्राफ्ट के अंदर अपना एक्सिस वाई और लेफ्ट एक्स और वाई एक्सिस यूज़ करते हो, वैसे ही इसके अंदर भी यूज़ होगा। और यार अगर आप लोगों को अपने बिल्डिंग को नीचे ले जाना है तो आप लोगों को सिंपली इस बटन पर क्लिक करना होगा, सॉरी सिंपली आप लोगों को इस बटन पर क्लिक करना होगा। और अगर आप लोगों को अपनी बिल्डिंग को ऊपर ले जाना है तो आपको इसको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो आपको इसको इस बटन पर क्लिक करना होगा। और अगर आप इसको 2D फॉर्मेशन में देखना चाहते हो तो आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा। और जब आपने अपनी पोजीशन सेट कर ली हो और आपको इसको सेव करना हो तो आपको स्टिक बटन पर क्लिक करना होगा, जो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा है। तो यार चलो मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बिल्डिंग मेरे पास है, अब मैं ऑन लूँ मुझे इसे ट्रैक करना है किसी पोजीशन पे। तो यार मैं इसको कैसे करूँगा वो भी 3D व्यू में,
या सिंपली मुझे उसके ऊपर एक फिंगर रखनी है और उसको नॉर्मली ड्रैग करना है अपनी फिंगर से जिस साइड मुझे इसको ले जाना है। जैसे कि मुझे इसको अपनी तरफ ले जाना है तो मैं इसको अपनी तरफ फिंगर से ड्रैग करूँगा। अब मुझे इसको नीचे ले जाना है तो अब मैं सिंपल से सबसे पहले खुद नीचे जाऊँगा ताकि मैं देख सकूँ कि बिल्डिंग कितना नीचे जाएगी और फिर इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया तो मैं इसको एक ब्लॉक ऊपर कर देता हूँ और साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा इस साइड से शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि यार वहाँ पर एक केज टाइप सा बना हुआ है। तो अब मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे मान लो इसे ऊपर करना है तो मैं सिंपली इस बटन क्लिक कर रहा हूँ, ये ऊपर जा रही है और इस पर करने पर नीचे जा रही है। और अब जैसे ही मैं 2D व्यू पे चलाता हूँ तो यार ये देख सकते हो कि यार ये बिल्डिंग का 2D व्यू मेरे पास आ चुका है, वो भी पूरे मैप के साथ, जिसको मैं अपने 2 फिंगर्स की मदद से जूम इन भी कर सकता हूँ और जूम आउट भी कर सकता हूँ। और अब मैंने अपनी बिल्डिंग का साइज सेट कर दिया है तो मैं सिंपली इसको ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा, मतलब जो टिक है मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और मेरी बिल्डिंग सेव होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर से ऐड आएगी, आपको सिंपली उसको स्किप कर देना है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन माइनक्राफ्ट और अंडू चेंजेस का। तो ओपन माइनक्राफ्ट करने पे क्या होगा कि आपका जो माइनक्राफ्ट होगा वो ओपन हो जाएगा और अंडू चेंजेस से क्या होगा कि मान लो आपने माइनक्राफ्ट ओपन किया पर आपको वो बिल्डिंग अच्छी नहीं लगी और आप उसको हटाना चाहते हो तो आप माइनक्राफ्ट बंद करके सीधा यहाँ से हटा सकते हो। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि माइनक्राफ्ट बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए और साथ साथ जब आप माइनक्राफ्ट ओपन करते हो तो आपको इस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से नहीं हटाना है क्योंकि अगर आप इसको बैकग्राउंड से हटा दोगे तो अंडू चेंजेस का ऑप्शन चला जाएगा। तो अपन ओपन कर लेते हैं फिर से माइनक्राफ्ट और मैं आपको दिखा देता हूँ उस वर्ड के अंदर जाकर सीधा लाइव प्रसार। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये मेरा वर्ड के अंदर आ चुका है, मेरा वही घर, सेम टू सेम घर, ये वही घर है जो मैंने कॉपी किया था अगर आपने अच्छे से देखा हो तो। और यार ये वही घर है तो यार चलो इसके अंदर चल के दिखा देता हूँ कि यार ये अंदर से भी पूरा बना हुआ होता है घर, जो लोग डालते हैं ये वैसा का वैसा ही दिखता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जैसा डाला हुआ है वैसा है और ये अभी अंधेरा है तो यार इस कारण थोड़ा सा मॉन्स्टर स्पॉन हो गए हैं अंदर। बाकी आप देख सकते हो कि यार घर बने हुए बहुत अच्छा दिख रहा है बना हुआ। तो यार इस तरह से आप लोग चाहो तो घर, रेस्टोरेंट बिल्ड, फार्म्स और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो अपने वर्ल्ड के अंदर, यहाँ तक कि यार आप फेमस यूट्यूबर्स का बेस, उनका विलेज तक आप डाउनलोड कर सकते हो इसके अंदर। जैसे कि आप, मैंने रिसेंटली अपने अपने पर्सनल वर्ल्ड के अंदर मैंने चपाती गेमर का वर्ड डाउनलोड किया था पर यार वो थोड़ा ख़राब लगने लगा तो मैंने उसको डिलीट मार दिया, वरना यार मैं आप लोगों को उसको ज़रूर देखा था क्योंकि यार मैंने अपने वर्ड के साथ ही उसको मिक्स कर दिया इस कारण। तो यार अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि आप अपनी मनपसंद बिल्डिंग कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो यार मैंने उसकी तो मैंने आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है ये हट जिसको मैं आपको कॉपी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप फिर से चलते हैं होम स्क्रीन पर और फिर से खोल लेते हैं बिल्डिंग्स फॉर माइनक्राफ्ट। तो मैं जाता हूँ और खोलता हूँ बिल्डिंग फॉर माइनक्राफ्ट पर उससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों कि आप लोग कैसे कर सकते हैं चेंजेस को अनडन। तो यार जैसा मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने उसको वहाँ से मिनिमाइज किया है, ना कि आपने उसको पूरा हटा दिया है, रिमूव कर दिया बैकग्राउंड से भी, तो यार वो काम नहीं करेगा। तो मैंने बैकग्राउंड से रिमूव नहीं किया था इस कारण मेरे पास अभी भी अंडू चेंजेस का ऑप्शन आ रहा है। तो यार जैसे ही मैं अंडू पे क्लिक करूँगा और माइनक्राफ्ट को बैकग्राउंड से हटा के एकदम स्टार्टिंग से दोबारा लोड करूँगा तो यार वो घर मेरे वर्ड से हट जाएगा जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ एक बार फिर से। पर उससे पहले मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एक बिल्डिंग कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जाना है माई बिल्डिंग के फोल्डर पर और जाकर इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है जो यहाँ पर है। और उसके बाद जैसे ही मैं प्लस के बटन क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे सारे वर्ड शो करता है और वर्ड शो तभी हो गए जब आपने स्टोरेज को एक्सटर्नल भी किया होगा, वरना ये शो नहीं करेगा। ये बात मैं आपको दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, वरना ये एप्लीकेशन किसी काम का नहीं अगर आपकी स्टोरेज एप्लीकेशन के ऊपर है तो। तो मैंने खोल लिया है अपना वर्ड और अब आप देख सकते हो इसके अंदर वो भी नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने उसको वहाँ से कैंसिल कर दिया था तो यार वो बिल्डिंग भी यहाँ से गायब हो गई है। तो अब सिंपली मुझे ड्रैग करना है तो यार ऊपर की साइड ड्रैग करने पे मैं मैप में पीछे जाऊँगा और आगे की साइड करने पे मैं आगे जाऊँगा और इसके अंदर सिंपल जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो आप लोग। तो आपको सिंपली जैसे कि मुझे ये बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसका सिंपली एक कॉर्नर पर टैप करना है उसके बाद दूसरे कॉर्नर पर, और अगर आपने गलती से गलत जगह सेलेक्ट करना है तो लॉन्ग टैप करिए वो डिसलेक्ट हो जाएगा।
और फिर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, और सिंपली इसी तरीके से मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो ये कहाँ तक जा रहा है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, और कुछ इस तरीके से। ये फिर से थोड़ा बिगड़ गया है, तो मैं इसको फिर से सही करता हूँ। थोड़ा इसमें सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई कबार, पर यार ये फिर भी जुगाड़ू हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सिंपली एक टैप यहाँ पर करना है, एक टैप इस कॉर्नर में, एक टैप इस कॉर्नर में, और एक टैप इस कॉर्नर में। और उसके बाद जैसे आपने अपनी पूरी बिल्डिंग सेलेक्ट कर ली, तो आपको सिंपली इस स्टिक के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास पूरी बिल्डिंग आ चुकी है, वो भी नीचे के ओर के लेके, वो भी नीचे मेरे पूरे वर्ल्ड की गहराई तक। तो अब मान लो मुझे मुझे कोई इसका नीचे वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं इसको चाहूँ तो इस नीचे वाले माइनस के बटन से हटा सकता हूँ। और मान लो मुझे कोई ऊपर का हिस्सा हटाना है, तो मैं उसको ऊपर वाले माइनस के बटन से भी हटा सकता हूँ। तो मैं आपको हटा कर दिखाता हूँ, ये देख सकते हो जैसे कि मैं नीचे से इसकी जो नीचे से हाइट है वो धीरे धीरे कम करता जा रहा हूँ, और ये देख सकते हो इसकी धीरे धीरे हाइट बिल्कुल कम हो गई है। और इसी तरीके से जब मैं ऊपर वाले माइनस के बटन को क्लिक करूँगा, तो मेरी हाइट ऊपर से भी कम हो जाएगी बिल्डिंग की, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये ऊपर से भी गायब होती जा रही है धीरे धीरे। और जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड से जो फ्लोर्स होगी वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी, और नीचे की साइड के प्लस के बटन से नीचे की साइड। पर अपन को नीचे की साइड नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ ऊपर की साइड चाहिए। तो मैं सिर्फ ऊपर की साइड रखूँगा, वो भी सिर्फ एक ग्रास ब्लॉक की लेयर के साथ, ताकि अब दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद सिंपल सी एक उसकी फ़ोटो भी क्लिक करते ही वो सेव हो जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा उस हिसाब से दिख लेता हूँ, ताकि अब मेरे को बाद में इसको सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। और अब मुझे इसको सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पर जो फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो कैमरा बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पर एक नेम लिखना है। तो यार यहाँ पर एक वार्निंग दी है कि यू आर नॉट अलाउटेड टू पोस्ट पिक्चर, मतलब आप इसके अंदर ऐसे पिक्चर ही डाल सकते हैं जो कंटेंट करती है सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंस, हेट स्पीच, ड्रग्स एक्सेट्रा। तो सिंपली हमें यहाँ पर एक नेम डालना है जो आप चाहते हो अपने मॉन्यूमेंट को देना। तो मैं इसको देना चाहूँगा हाउस, और इसको कर देता हूँ लोड। तो इसको लोड करते ही क्या होगा कि थोड़ी बहुत अपलोडिंग ऑब्जेक्ट और अपलोडिंग स्क्रीनशॉट होने के बाद ये मेरे वर्ल्ड के अंदर सेव हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये हो चुका है सेव हाउस के नाम से, और ये मेरे पास पुराना हट भी एक मैंने सेव किया था, और ये मेरा एक हाउस है। तो अभी मैं आपको ये वाला हाउस इंस्टॉल करके दिखाता हूँ फिर से। जैसे मैं इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, तो फिर से यहाँ पर ऐड आएगी, आपको सिंपली ऐड को स्किप कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद अपना वर्ड सेलेक्ट करना है, और वही सेम चीज़ आपको फिर से दोहरानी है। फिर से इसकी लोकेशन थोड़ी सेट करनी होगी, फिर से इसको अपनी मनपसंद लोकेशन पे सेट कर सकता हूँ मैं, और फिर सिंपल से इसको नीचे डाल सकता हूँ जितना मैंने सोचा था उतना ही नीचे डाल सकता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया, उसके बाद टिक करा, और ये हो गया सेव। और फिर से आएगी ऐड, इसको बंद करना है, और फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा अंडू और ओपन करने का। तो मेरे को अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। और इस तरीके से आप इसके अंदर बहुत सारे मोन्यूमेंट्स डाल सकते हो, जैसे कि पिक्सल आर्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपको यहाँ पर अपनी मनपसंद रिक्वायरमेंट की चीज़ नहीं मिलती है, तो आप सिंपली यहाँ सर्च मार सकते हो अपनी मनपसंद चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ सर्च मार रहा हूँ। तो यार मैंने यहाँ पर लाइक बटन सर्च मारा, और यार यहाँ पर एक लाइक बटन आया भी है। फिर आपको भी वही करना है, आपको कर देना मेरी वीडियो को लाइक। और यार इस तरह से मैं दूसरी चीज़ें भी यहाँ सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि गार्डन। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर गार्डन्स भी आ गए हैं, अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट आ गए हैं। आपको सिंपली यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। और यार वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं। और यार साथ साथ मेरी दूसरी वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना, जो मैं आप लोगों को एंड में दिखाने वाला हूँ, जो आप लोग मेरी एंड स्क्रीन से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।